जय श्री ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमो हरिहंतानं नमो सिद्धानं नमो आयिलियानं नमो वज्रायानं नमो लोये सवसाहूनं नमे उनजिनं वीरं अनंत वरुणानं एक बात आप सबने अनुभव की होगी, कहना सरल है परिणाम मत बिगाड़ो, फिर प्रैक्टिकल कठिन लगता है। कहना सरल है सत्य बोलो, हिंसा मत करो, झूठ मत बोलो, चोरी मत करो, उसी मत करो, परिग्रह मत करो, लेकिन बहुत कठिन है और इसीलिए हमको थोड़ा टफ लगता है। लेकिन जैन दर्शन की एक अद्भुत बात बता रहे हैं हम सबको, जो वर्ल्ड में कहीं नहीं, वर्ल्ड में भी ये उपदेश है पांच पाप मत कर, वर्ल्ड में भी ये सब अनुमत वाले ही कहते हैं, मुसलमान भी कहते हैं। विश्व में ऐसा कोई धर्म नहीं है जो बुरा काम करने के लिए मना ना करे। आप चाहो तो श्री रविशंकर को सुन लें, आप चाहो तो बहुत लोगों को सुन लो जिन्हें सुनना, ऑनलाइन बहुत है आज। क्रोध जीतने के उपाय बताते हैं, मन बहुत जन क्या क्या जीतने के उपाय बताते हैं, सब उपाय बताते हैं। लेकिन आज हम आपको वो थ्योरी बताने जा रहे हैं जो केवल जैन दर्शन का प्राण है, जो यूनिक है। मैं पूरी कोशिश करूंगा, पूरी तो वैसे आपको करनी है, मैं तो प्राइमरी स्टार्ट कर रहा हूं। हमारे पास जब मैं आपको ये चैलेंज कर रहा हूं, वर्ल्ड के लिए चैलेंज कर रहा हूं, आप मतलब वर्ल्ड के लिए चैलेंज, कोई व्यक्ति मुझे लिख कर देगा कि ये पढ़ना मुझे जीतना है, चैलेंज स्वीकार, लिख के दो ये परिणाम मुझे जीतना है, वही जी वही जीतना है, टेंशन नहीं, किसी प्रकार का भय नहीं, फियर भी नहीं। आपने देखा होगा उपदेश शैली में कुछ कहना है, उपदेश शैली की दो कमियां हैं, कमियां कहता हूं उपदेश शैली की, एक फियर और एक लोभ। क्या ग्रीडी बोलते क्या, ग्रीडनेस, ये दो चीजें हैं पूरे विश्व से। जैन धर्म में क्यों ना, जैन धर्म में भी ये बात मिल जाएगी, ऐसा करोगे ऐसा होगा, ऐसा नहीं करोगे ऐसा नहीं होगा, भक्तों में तो अमुक का पढ़ो बिजनेस हो जाएगा, भक्तों में ऐसा करोगे ऐसा हो जाएगा, और भी बहुत सारी बातें मिल जाएंगी आपको। मैं उसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाह रहा, ये वो उपदेश शैली होती है ऐसी, मंदिर जाओ बिजनेस चलेगा, बेटा मंदिर नहीं जाओगे शादी करनी होगी, जिसकी शादी नहीं होती वो कहीं भी सिर्फ फटकने तैयार है, बालाजी चला जाए, फलाजी चला जाए, अजमेर चला जाए, दरगाह शरीफ हमने देखा ना, शेष सेना वाले कभी अजमेर नहीं गए होंगे, लेकिन उन्हें अपनी सरकार बनानी थी तो उद्धव ठाकरे का बेटा आदित्य ठाकरे वहां गया था अजमेर दरगाह शरीफ, जो अपना अपनी कहीं जाने तैयार है, एनी हाउ मेरा काम होना चाहिए। अमिताभ बच्चन के बेटे की शादी थी, वो मंगल मंगल का चक्कर था दौड़ मंगल, अब वो तो अजमेर भी गए, वो गणेश जी है ना, क्या नाम, चिंतामणि है, रात को 3 बजे रात को नहीं पहले सिद्धिविनायक बॉम्बे, रात को 3 बजे चारों मेंबर पति पत्नी बेटा और चारों शादी के पहले नंगे पांव अपने घर से निकले, नंगे पांव रात रात जितनी दूर है उनका वो सिद्धि विनायक वहां गए, वहां बिल्कुल माथा टेका जो करा, हीरा चढ़ाया 1 करोड़ का, कितने का ऐसे कुछ चढ़ाया, ये सब अजमेर में भी चढ़ाया, चादर चढ़ाई, मेरा मतलब ये है समझ गए कोई सबको भाई, और लोग के बिना ये जीव आगे नहीं बढ़ता। लेकिन जैन दर्शन का एक मूल प्राण है, मूल प्राण है जो मैं अभी पढ़ाने जा रहा हूँ, इतनी भूमिका बना ली मैंने, और फिर एक बार चैलेंज दे रहा हूँ कि आपको कोई भी परिणाम जीतना हो तो लिख के दो, उसका अपन बाकायदा क्या कहना चाहिए वर्कशॉप
मैंने वर्कशॉप में इसमें नहीं, इसमें सुनना तो बंद है, जैसे नहीं समझ में आया तो अभी आप चुपचाप बैठे सुनते रहो सुनते बन में से काम ही नहीं होता, टू वे से काम होता है, दोनों साइड से होनी चाहिए, चिंतन और मनन दोनों, ठीक है। तो पंडित जी हम कैसे जीते इच्छाओं को, रोके ना चाहे तो कैसे रोके चाहे को, मैं भी जानता हूँ जो आप फील करते हो मैं भी जानता हूँ, चाहे को रोकना बड़ा टफ है। अब मैं कह रहा हूँ यही है, अज्ञानी को टफ है, ज्ञानियों को इजी गोइंग है। कैसे रोके चाहे को, अभी आज ही न्यूज़पेपर में घटना आई, देश का नाम भूल गया मैं, वहां के लोग चाइना से लौटे वापस, जैसे अपन ने लौटा है भारत, ऐसे वो भी वहां लौटे, तो उन लोगों ने उनको घर में घुसने नहीं दिया, पत्थर मारे, आगजनी कांड हुआ, इनकी वजह से कहीं ऐसा ना हो कि हमारे गांव देश में कोरोना वायरस आ जाए, तो भले 10-50 लोग मर जाए तो मर जाए, पत्थर मारे अपने देशवासियों को। मैंने आदमी कैसा होता है फियर कि हम ना मर जाए, हमारे बच्चे ना परेशान हो जाए, इसलिए उन्हें मारने तैयार। घटना देख ली होगी आप, मुझे जो कुछ कहना वो यहां समझे, पर यहीं से हमारी चाह रुक सकती है, यदि हमें पता लग जाए कि इस चाय के रिजल्ट में हमें तकलीफ है, यदि हमें मालूम हो जाए इस चाय का जो पनिशमेंट है वो भयंकर है, भयंकर है, बस आपकी चाय रुक जाएगी। कुछ सिद्धांत बोलता हूं दीदी, नंबर वन, चाहने से कोई काम नहीं होती, इसके लिए बहुत अच्छा फार्मूला है, करणानंद का फार्मूला है, सरल भाषा में बोलूंगा, जितनी इच्छा पूर्ति होती है वो पुण्य के उदय से होती है, और जितनी इच्छा होती है वो पाप के उदय में होती है। जल्दी ओवर क्वेश्चन है, जितनी इच्छा होती है वो पाप से होती है, इच्छा का फल जो होता है वो पुण्य। हाँ, अब ये गणित लगा हुआ, जब जब हमको इच्छा उत्पन्न हो रही तो पाप हो रहा है, हम दुखी हो रहे हैं, आपने देखा होगा जितनी इच्छा होती है ना आप दुखी होते, भले अपने घर क्यों ना, आप घर पहुंचे पत्नी ने टाइम पर पानी नहीं दिया, इच्छा ही पानी पीना, एक दिन तो फिर सुनती नहीं जी, देखो जरा ध्यान नहीं रखती, मन पहले तो दुखी हुए, अब फिर आपने पानी मांग लिया, ऑन काल पानी मिल भी गया आपको, तो ये पुण्य का उदय था इसलिए मिल गया, पुण्य का उदय था इसलिए मिल गया, अब पाप का उदय हो ना तो मना कर देगी, नहीं मैं बच्चे के साथ बिजी हूं, वहीं से हुक्म दे देगी, रखिए टंकी वही पानी है वही मिला से पी लो। अब आपको पाप का और ज्यादा होता है ना तो आप और ज्यादा दुखी हो जाओगे, मेरी कोई इज्जत नहीं इस घर में, कमा कमा के मरा जाएगा, एक बार पानी में पी नहीं होता। लेकिन वो ये भूल गया कि इस तरह की कोई गलती नहीं, इसमें तुम्हारा पुण्य का उदय नहीं, पत्नी की गलती नहीं, ध्यान रखना, बच्चों की गलती नहीं, इच्छा उत्पन्न होना पाप है, वो इच्छा का पूर्ति हो जाना ही पुण्य का उदय है। अब ये सबसे घटन पति पत्नी का एग्जाम्पल जल्दी समझ में आएगा, क्या जॉब में सारी इच्छा की पूर्ति हो जाती है? अरे मोबाइल है आपका, आपने खरीदा 10-25 हजार का, जिस समय हम चाहते हैं उस समय कनेक्ट ही नहीं हो रहा है, मालूम नहीं हो रहा है, लोड करना चाह रहे हैं नहीं हो रहा है, जिससे हम बात करना चाहे वो कब्जे एरिया से बाहर है, पता क्या कर, पत्नी पड़ोसन सुन रही तो उसने उसको फ्लाइट मोड पर रख दिया, अब आप चाह रहे कॉन्टेक्ट हो जाए वो हो ही नहीं रहा, क्या करोगे था, इच्छा की पूर्ति पुण्य का उदय से होती है, एक एक सिद्धांत हुआ, दूसरा सिद्धांत, इसलिए इच्छा करने लायक नहीं, नंबर वन, इच्छा करने लायक नहीं है मतलब इच्छा हो तो समझ लीजिए हमारा पाप का उदय, ये समझ लीजिए ना, उसके लिए जितने आप ट्राई करोगे उतने ज्यादा दुखी हो जाओगे, ट्राई मत करो, इच्छा हो रही सॉल्व करो, नंबर वन। नंबर टू, बहुत सुंदर लाइन है, पापोदय में चाह व्यर्थ है, नहीं चाहने पर भी हो, यदि आपको पाप का उदय है तो चाह जितना चाहो लेकिन वो होगा। अब यहां से फंडामेंटली सॉल्व करो,
पाप होने में चाह व्यर्थ है क्योंकि नहीं चाहने पर भी होगी। जैसे मैं नहीं चाहता कि बीमारी हो लेकिन पाप को होने में होगी, मैं नहीं चाहता कि इंसल्ट हो लेकिन पाप को होने में होगी। सीता की इंसल्ट हुई बलि को, मैंने सीता ने गलती नहीं की है लेकिन भाई फंडामेंटल समझाया है, पाप होने में चाह व्यर्थ है, नहीं चाहने पर भी होगी। आपने दूध पिया बढ़िया और दस लग गया, आपने सभी चाह रही तो बढ़िया दूध पिया और दस लग गया, आपने सोचा थोड़ी सी ज्यादा डायबिटीज हो गई, मैंने ऐसा लगा जैसे पुण्योदय में चाह व्यर्थ है सहज बने मन वांछित हो। अब पुण्योदय में चाय के दो ही कारण है, चाय के दो ही कारण है, चाय के दो ही कारण है, पाप का उदय और पुण्य का उदय। पुण्य के उदय में नहीं चाहोगे तो अभी कहां हो जाएगा, पुण्य के उदय में नहीं चाहने पर भी हो जाएगा। कभी कभी आपने देखा हो या ना देखा, मैंने देखा है जब बहुत कोशिश करते थे ना तो नौकरी नहीं मिली और फिर एक ऐसे सोचा हारे मन से चलो अब दे आती और नौकरी लग गई। हम बहुत सारे सोच लेते हैं होना चाहिए होना चाहिए, मैं दिन रात एक कर दूंगा और सीए क्रॉस नहीं कर पाए, मैं वो ग्रुप नहीं क्रॉस कर, फिर एक बार सोचा लास्ट चांस है हो तो जाने छोड़ो क्या करना, तो दिया है जाओ पास हो गए। नहीं चाहने पर भी पुण्य के उदय में काम हो जाता, तो मैं ऐसा नहीं कर मैं चाहे नहीं, देखो दोनों में चाय रुक सकती है, दोनों में चाय रुक सकती है, पाप के उदय में चाहने पर भी काम नहीं होगा, लेकिन जितनी चाह प्रबल होगी उतना दुख होगा। जैसे बोलू क्या बोला, जितनी चाह प्रबल होगी उतना दुख होगा। पति पत्नी ने लगभग लगभग इस बात की बहुत तकलीफ होती है, उसने इतनी ओवर चाह कर रखी थी मेरी पत्नी ऐसी होगी ऐसी होगी ऐसी होगी ऐसी होगी, और इतना बड़ा फ्रेम था जो असली मेरी वो उतनी फ्रेम की नहीं थी। तो उसको जब देखो तब ताना मारता रहेगा, कमेंट ही करता रहेगा क्या बताऊं बस। क्या से क्या हो गया। मैंने क्या सोचा था, बोले लाइफ में कितने प्रॉफर मिलते थे, क्या क्या होता था, लेकिन क्या करें मेरी किस्मत खराब है। मैं कटाक्ष करते ही रहे वो दुखी बन गई। इधर ये भी सोचे, ये भी शादी के पहले जैसे चाहे बोले लव या शादी हुआ तो अभी शादी के पहले वो इतना हाई फाई हो जाती है केवल तुम और हम इस दुनिया में होंगे, चांद पर रहेंगे और इसमें रहेंगे और जैन कितने झूठे झूठे फिल्मी डायलॉग होते हैं सर, और जैसी शादी होती धड़ाम से नीचे रियल लाइफ में जाते एक आध बचा नहीं तो कुछ नहीं होता, नहीं फिर वो पांच दिन से कहती क्यों तुम तो कह रहे थे कि सुख झोलियों में डाल देंगे जानकारी तोड़ देंगे जानकारी। एक महीना हो गया तुम बांध ले जा रहे हो और चार डिस्टांस और मॉल में नहीं घुमाया तुमने, एक साल हो गया। बहुत बेवफा होते हैं लोग सच में, कितना झूठ बोलते थे तुम, पहले तो रोजाना आइसक्रीम खाते थे अब तो एक महीने में भी एक नहीं मिलती। अरे रियल लाइफ में मैं कह का तुम बता रहा हूँ समझ एग्जाम्पल दे करके कि हम ओवर एक्सपेक्ट कल की भाषा में तो ओवर एक्सपेक्ट करते हैं, अभी की भाषा में कहें तो हमारा जो पाप के जितनी प्रबल इच्छा होती है ना उतना दुख देते हैं। फिर से बोल रहा हूँ जितनी प्रबल इच्छा होती है उतना दुख है, पाप के उदय में पूरी नहीं होगी नहीं होगी नहीं होगी, और पुण्य के उदय में नहीं भी चाह नहीं भी चाह तो ही पूरी हो जाएगी। बहुत सारी इच्छाएं आपने नहीं चाहिए लेकिन अपने पूरी हो जाती है अपने आप। अब एक दूसरा सिद्धांत हो गया, दो सिद्धांत बता दिए इतनी जगह, अब एक अलग प्रकार का सिद्धांत समझा रहा हूं। ये सब करना नहीं पढ़ा रहा हूं आपको, सरल हिंदी में पढ़ा रहा हूं, करना नहीं हो लेकिन सरल भाषा पंडित गुस्सा तो आ रही है कि मक्कार है बेईमान है रिश्वतखोरी कर रहे हैं भ्रष्टाचार कर रहे हैं जिसपे आग लग जाती है। मैं देश के लिए इतना कर रहा हूँ तो मेरे पीछे गवर्नमेंट है मेरे पीछे कलेक्टर है मेरे पीछे भला है। आपने देखा होगा ईमानदार आदमी को
प्रॉब्लम। बेईमानी मजे कर रहा, दस दस पच्चीस पच्चीस साल मलाई खींच रहे हो आपकी वहां का, बहुत काम हो रहा है, समझ गए होंगे पंडित जब पढ़ते ना हुआ तो आग लग जाती। मैं चाहता हूँ ऑनेस्टी, लेकिन नहीं समझ गए होंगे थोड़े में, मैंने जो बेईमान है वे लोग मजे कर रहे हैं, हम बहुत तकलीफ है। ये हर ईमानदार आदमी पीड़ा हो सकती है, बेईमान तो एडजस्ट कर लेता है, सब मजे कर लेता, अपन भी मजे कर, दुनिया जाए बाढ़ में कलाकंद खाओ बाढ़ में। प्रॉब्लम समझ आई, गुस्सा तो आ ही जाती है, अब तुम कह रहे चाय मत करो, लेकिन दुनिया में रहते तो गुस्सा तो आ ही जाता है। हम घर परिवार में बात करें, बिल्कुल पक्का है कि बड़े भाई साहब मैंने जेठ हैं, जेठानी हैं, बिल्कुल नंबर एक के बदमाश है, मामा जी सामान भी ले जाते हैं खा जाते हैं, एक भी लेटर नहीं करते हैं। मैंने कहीं कहीं घर में ऐसी घटना घटी, पंडित जी बिल्कुल पक्की बात है, मैंने अपनी आंखों से देखा है, मेरी सास ऐसा करती है, मैंने घर का बीच वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम हो, ईमानदार को तकलीफ होती है, मैंने देखा है, आपने देखा हो, अच्छी बहू है बेचारी, धर्मात्मा है, सेवा करना चाह रही, सब कुछ करना चाहिए, लेकिन सास उसी को हैरान करती थी, ये शिकार मंदिर में। मैं जरा बोली तूने यही सुना है धर्म में, बड़ी धर्मात्मा बनी फिर रही है। इंजस्टिस धर्मात्मा के साथ आता है, अधर्मी लोग मजे करते हैं, सास उससे डरती है जो कमाती है, चाहे जो करे तो सास उससे कुछ नहीं कहती, तो बहू ने कहा धर्मात्मा बहू ने, अब उससे तो कुछ नहीं कहती, अब उससे क्या कहें, वो तो अधर्मी है। समझ गया मैंने कहा ना पंडित जी, समझ तो हम बस कंट्रोल नहीं कर सकते, कुछ कहना भी समझे, इसका सॉल्यूशन बता रहा हूँ। बहुत अच्छा गणित है जिनवाणी में, उसका नाम है उदीर्ण, कर्णाली की बात है, उदीर्ण उदीर्ण का गणित को सुबह में अपनी चर्चा हुई थी, थोड़ी सी नाम नहीं लिया था, लेकिन अभी बता रहा हूँ, सुबह एक चर्चा हुई थी अपनी, कि सारे अपराधियों को नहीं गिरफ्तार किया जा सकता क्योंकि इसकी जेल नहीं है। हमने पूरे देश में 2000 कलेक्टर बिठाए, मान लो मान भ्रष्टाचार 2000 कलेक्टर, अभी सारी शोर है तो कलेक्टर ऊपर ही कार्य कर सकेंगे, तो इसको बंद भी कर दे जेल में तो दूसरा कलेक्टर कहां से है, वो भी शोर करेगा, तो तीसरा कलेक्टर वो भी शोर करेगा, तो इतनी बड़ी जेल ही नहीं, हम पूरे 100% कर्मचारी को जेल भेज दें। लेकिन एक बात कंपल्सरी, फंसना सबको एक दिन, देखा होगा आपने, सबको पता है बहुत जम के भ्रष्टाचार चल रहा है, देखा ही होगा आपने, इंडिया का नंबर बहुत नीचे है, अधिकृत आंकड़े तय करेंगे, हम पाकिस्तान से भी गए नीचे हैं, देखा है पाकिस्तान से भी नीचे है अपन, नहीं हमें जो कहना वो समझ, तो ये बेईमानी समझ में नहीं आ रही, तो उसका मूल कारण है हम सबको पकड़ करके जेल में नहीं डाल सकते। आपने देखा जेल में भी भ्रष्ट लोग बैठे, माँ से जेल कैदी भाग जाते हैं, फला हो जाता है, बहुत कुछ हो जाता है, क्या कर सकते हो। चलो मूल बात समझते हैं, तो इसका एक घड़े थे उदीर्णा, उदीर्णा का घड़े मैं सॉल्व करके बताता हूँ, पाप और पुण्य के दो अकाउंट हैं, पाप और पुण्य के दो अकाउंट, दुनिया में ऐसा कोई आदमी नहीं है जो पर डे पुण्य और पाप नहीं करता, छठे गुण स्थान तक भी ऐसा होता है, पुण्य पाप का अकाउंट चालू रहता है, यदि शुद्ध उपयोग में नहीं जाएंगे साधु गुण स्थान तो उनको भी पाप का अकाउंट चालू रहता है। पर डे हो पर डे के अगर मैं ये भी कह सकता हूँ पर अवर, सूक्ष्म कहना चाहो तो और भी ज्यादा है, सेकंड जल्दी जल्दी पुण्य पाप होता है, बहुत जल्दी जल्दी पुण्य पाप होता है, लेकिन अपन तो इतना मानो पुण्य पाप का अकाउंट, अब समझ लीजिए इसकी 100 साल है तो 100 साल का पुण्य पाप का बैलेंस होना चाहिए। अब एक गणित आ गया उदीर्णा का, उदीर्णा को मैं इस तरह समझाऊंगा आपको आपकी भाषा में, कि भविष्य का बैलेंस वर्तमान में कंज्यूम कर लेना, भविष्य के पुण्य पाप को वर्तमान में कंज्यूम कर लेना, इसका नाम है उदीर्ण। जैसे आपने मोबाइल में एक महीने का पैक डलवा लिया, अब आप लगे उसे लगातार लगातार 10 दिन में पूरा खर्च कर दिया आपने, अब क्या करोगे 20 दिन, 30 दिन का बैलेंस आपने 10 दिन में यूज कर लिया, अब क्या करोगे, प्रॉब्लम आ गई। ऐसे हमारे साथ पापी लोग पुण्य का बैलेंस खत्म करते हैं और धर्मात्मा लोग पाप का बैलेंस खत्म करते हैं, क्या बोला मैं समझ आया, धर्मात्मा
पाप का बैलेंस खत्म करते जाइएगा, स्ट्रगल करके। सत्य के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है, आप समझ सकते हैं, धर्म करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, अहिंसा के लिए मेहनत करनी पड़ती है, सत्य के लिए, चोरी नहीं करना है तो अचोरी के लिए, ब्रह्मचर्य के लिए, अपनी पत्नी के सिवा किसी पर खोटा भाव नहीं करना, मतलब संघर्ष है, विल पावर की बहुत बड़ी लड़ाई है। तो धर्मात्मा जितना पाप का उदय आता है वो परेशानी उन्हीं को आती है, तो पाप का बैलेंस यही मनुष्य भाव में खत्म कर देते, फल ये होता है कि नरक नहीं जाते हो। पापी लोग पुण्य का बैलेंस यही खत्म करते थे तो बड़ा मजा करते हुए दिखाई देगी। दारू पीला फिर भी कैंसर नहीं हुआ 25 साल तक, 25 साल के बाद तो होगा उसे क्यों, सारा पुण्य उसने 25 साल में खत्म कर दिया। चोरी करता है, बेईमान करता है, अत्याचार करता है, सारा पुण्य उसने अभी खत्म कर दिया, पुलिस अरेस्ट नहीं कर रही। लेकिन एक दिन ऐसा आया कि नीरव मोदी इधर भागना पड़ा, अब पुण्य का बैलेंस खत्म उसका। अब ब्रिटेन की कोर्ट भी कुछ कह रही है, भारत में भी कुछ हो रहा है, सारी संपत्तियां जब्त हो रही हैं, ये क्या हो रहा है? पापी लोग, आपको सब पता हो, केस नहीं सुना रहे हैं, पड़ेंगे विजय माल्या नीरव मोदी के, आसाराम बाबू के केस नहीं सुनाने पड़ेंगे आपको। उन्होंने इतना पुण्य का दुरुपयोग किया, सारा पुण्य खत्म। अब समस्या बहुत बड़ी है, समझ सभी को पता है, कोई नहीं कह सकता है कि स्वास्थ्य मैंने जिस लाइफ में आसाराम बाबू जी ऐसे बाहर निकलेंगे, विजय माल्या ये दोनों कभी सुखी होंगे, कोई नहीं कह सकता। अब इनका क्या हो गया, पाप का उदय स्टार्ट हो गया, पुण्य का उदय तो खत्म हो गया। अब इन लोगों पुण्य पाप का पूरा उदय नरक में आने वाला है, क्योंकि यहां तो खत्म नहीं किया ना उन्होंने। पॉइंट समय है, धर्मात्माओं का पाप का पहले से ही खत्म हो गया, इसलिए स्वर्ग आदि जाएंगे या मोक्ष चले जाएंगे। पापियों के पुण्य का बैलेंस खत्म हो गया तो नरक चले जाएंगे, गड़ी समझ में आ गई। अब बस अपन इच्छा रोक सकते हैं, रोके न चाहे तो रोक सकते चाहे तो, क्यों? अभी तक यही तो लगता था यार, यही तो मजा ले रहे बैठी गंगा में पंडित जी एक बार बताओ, कोई 1 करोड़ का रिश्वत बिना बात अपन मांग भी नहीं रहे और खुद ही दे जाए, तो आती हुई लक्ष्मी में तो लात नहीं मारी दे सकती आप बताओ चाय कैसे रोकी जा सकती है? ऐसे ही रोकी जा सकती है, आप अनवांटेड रिश्वत ले रहे, जो भी अनवांटेड थॉट्स हो चाहे एक्टिविटीज हो, वो आपके पुण्य की वजह से बचती है। जैसे आप गाड़ी गलत तरीके से ले जाओ तो हर ट्रैफिक पॉइंट पर 5,000 का नोट, 2,000 का नोट, आप देखे निकलते जाओ, हर जगह चालान बनाएगा, देते जाओ पैसे, निकल जाओ। लेकिन पैसे नहीं हो आप क्या करो, रिश्वत खाने वाले ने निकाल दिया आपको, लेकिन वो कैमरे में सारा रिकॉर्ड है, उन्होंने जैसे आपकी गाड़ी देखी सारा रिकॉर्ड आ गया। एक दिन में 500 बार या 5,000 बार या 50 बार आपने डिफॉल्ट किया। अब जब कोर्ट में सारी आई, अब क्या होगा? अब ये समझो, अब हम पापियों के मजे देखकर भी समझ गए कि नरक जाने वाले, इसलिए हमें पाप करने की प्रेरणा नहीं लेनी है, आदर्श नहीं बनना चाहिए। धर्मात्माओं के संकट देखकर कभी हमें मालूम है स्वर्ग या मोक्ष जाने वाले, नहीं नहीं, तो हमको गलत ट्रैक नहीं अपनाना है, हम सत्य के लिए संघर्ष करें। मेरे ख्याल से वो दीना समझ गए हम। तीसरा बहुत बड़ा सिद्धांत पढ़ा दिया आपको कर्णानियों का, जिसका नाम है उदीर्णा, जिसको हम हिंदी में इंग्लिश में कहते हैं पोस्ट मैच्योरिटी, प्री मैच्योरिटी, सॉरी पोस्ट में प्री मैच्योरिटी। हमने प्री मैच्योर कर लिया सारे कर्म, जो चीज भविष्य होगी वो आज ही होगी, अब हमें गलत चाह नहीं होगा। इसके लिए मैं बहुत एग्जाम्पल दे सकता हूँ, मैंने लाखों, जैसे आजकल एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आप देख रहे हैं, याद दिला रहा हूँ केवल, डिटेल में नहीं करूंगा। बच्चे 4 साल में 8 साल में मैच्योर हो रहे हैं, इंटरनेट मोबाइल पिक्चर टीवी देख देख के, दोस्तों में बातें वाली जो कभी 16-18 साल में होती थी वो अब 4-6 साल के बच्चे कर रहे हैं वो बातें। इसका क्या मतलब है? इनकी पूरी लाइफ का जो ताकत है वो 18-20-25 मिनट खत्म हो रही है। आपने अखबार में जाकर देख लो, रिपोर्ट देख लो मेडिकल, बच्चे छोटी उम्र में ही अब सामर्थ्य से रहित हो रहे हैं। मोबाइल का कारण हो सकता है, नपुंसकता बढ़ती चली जा रही है, पढ़ते चले जा रहे हैं। क्यों हो रहा है? कि हमारी पूरी लाइफ के लिए हमें जो शक्ति मिली थी वो प्री
खत्म कर दी, पूरी मैच्योर करके वो सस्ता एक उत्तर दिया। ऐसा हजारों उत्तर है। आप किसी को धोखा देते हो और कोई आपका बिगाड़ नहीं पाता, लेकिन पुण्य खत्म हुआ है। ठीक है, आप 10 साल, 25 साल, 5 साल सबको धोखा देते जाओ, मम्मी पापा को चीट कर लो, ठीक है, मम्मी पापा कुछ नहीं कह पाए, फ्रेंड सर्कल को धोखा दे दो, कर लो, कोई कुछ नहीं, ग्राहकों को धोखा दे दो, कोई कुछ नहीं कर। लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब आपका बेटा आपको विश्वास नहीं करेगा, पत्नी आपका विश्वास नहीं करेगी, मतलब जो सबसे नियरेस्ट है वो आपका विश्वास नहीं करेगी, क्योंकि आपने विश्वास की कैपिटल खत्म कर दी। दूसरी भाषा में कहो तो आपने पुण्य समाप्त कर लिया। उस समय आपको बहुत तकलीफ होगी। मैं ऐसे केस नहीं सुनाना चाह रहा हूं अखबार के, जिनके जो बेटे अपने बाप से नफरत करते, उनका नाम तक नहीं सुनना चाहिए। एक मां ने कह दिया मेरे बेटे को जिंदा जला दो, उन्नाव वाले केस में जिंदा जला दो, मुझे मेरे से उसका नाम मत लो। जो 4 भाइयों थे निर्भया कांड के, उसमें एक बच्चे को तो रिलीज कर दिया 5 के पहले, एक को रिलीज कर दिया 3 साल तक जेल में रहने के बाद, तो वो 16 साल का था, ठीक है, अब जेल से, लेकिन आज तक अपने घर नहीं पहुंचे। उस गांव में उस बच्चे का नाम लेना पसंद नहीं करते। आज तक वो बच्चा रिलीव होने के बावजूद भी गांव नहीं पहुंचा, मां उसका नाम नहीं सुनना चाहती। ये क्या हुआ? आपने उदीर्ण कर दी। अब यदि हम इस तरह गणित समझ जाए तो पापियों को आदर्श नहीं बनाएंगे और धर्मात्माओं से हेड नहीं करेंगे। धर्मात्माओं से ऐसा लगेगा आज इन्हें किया धर्म, उनके बूटे धर्म वापस एंजॉय करो, कुछ नहीं लगा धर्म वर्म, लेकिन आप धर्मात्माओं से नफरत नहीं करेंगे यदि उदीर्ण गणित समझ जाएंगे। अब 3 गणित और है, कोई नहीं, हो सकता खेले, हो सकता है सुनने आना चाह रहे समझो, बहुत अच्छे सब। अभी 3 गणित है हमें अक्सर देखो, चाहे काय में लगा रहा हूँ गणित, चाहे व्यर्थ सच में डिजायर करने की जरूरत ही नहीं है। पापी लोग सोचते हैं डिजायर में मजा है, अज्ञानी को ज्ञानी कहते हैं विदाउट डिजायर मजा है। एक सिंपल एग्जांपल दो, हमारे गांव में खरिया जाना एक दृष्टान देते लोग, बहुत अच्छा दृष्टान देते मुझे। घर में 4 चीज बनी है, समझ जाना, रोटी बनी है, पूनी बनी है, लचका बना है और हलवा बना है। लचका समझते थे, लचका मैं दुनिया की सबसे सस्ती सब्जी, आटे को पानी में घोल के बॉइल कर दो वो सब्जी, उसका नाम है लचका, इतनी सस्ती चीपेस्ट सब्जी है। तो 4 चीजें बनी हुई, रोटी, पूड़ी, लचका और हलवा। अभी परोसने वाले को अक्कल नहीं थी तो सबसे पहले हलवा बदल दिया, हलवा खाने के बाद उनको पूड़ी परोस दी, यहाँ तक ठीक था, कोई दिक्कत नहीं। फिर उन्होंने कहा रोटी लिया, चलो एक आध रोटी लिया, कोई बात नहीं, 3 रोटी खा ली। सबसे आगे पूछा लचका खा पाए, सबसे आगे में लचका पड़ता है, मैंने उसको मजा के गिरा हो गया सारा सारा, समझ गया ना। अब परसने वाले में अक्कल होती थी, ऐसा भी कर सकता था, सबसे पहले थोड़ा भैया 1 चम्मच लचका भैया, हाँ भैया भूख में अच्छा लगा खा गया, कुछ भैया का रोटी ठीक है बहुत बढ़िया, कुछ अच्छा लगा और अच्छा लगा, भैया भैया का थोड़ी बदले और बड़ी, अरे आदमी हलवा और एक भैया समझ गए ना। एग्जाम्पल मैंने चीज वही की वही है, लेकिन तरीका है इसका, यानी हमारे पास भी चीज वही की वही है, हम डिजायर नहीं भी करेंगे ना, मिलना वही है, तो हमारी डिजायर उसमें इंटरवल डालती है, ब्रेक करती है, तकलीफ देती है, दुख देती है। बहुत अच्छा एग्जाम्पल दूं, थोड़ा सिंपल एकदम बढ़िया सरल एग्जाम्पल। जब आपने जन्म लिया तो आपने इच्छा की थी अपनी मम्मी की सिलेक्शन, कौन सी मम्मी अच्छी है। हम कितने सुखी इस मामले में, हमें कभी तकलीफ नहीं, कभी कंप्लेंट नहीं हुई, काश मैंने अच्छी मम्मी सिलेक्ट की होती। लेकिन इस पत्नी के मामले में आप जितनी इच्छा करते हो, उस समय पर परेशान हो जाती है, यार इसे तो बहुत ज्यादा अच्छी, ये दिखने में तो अच्छी है लेकिन बोलने में गड़बड़ है, वो कितना प्यारा बोलती थी, थोड़ी सांवली थी लेकिन बोलती बहुत अच्छी थी,
और वो कितना अच्छा कमाती थी, मतलब वो कितना अच्छा जो सफर आया। हमारा मतलब यह कहने का कि ये चीजें हमने डिजायर काफी तो हम तकलीफ में हो जाते। आप जब छोटे थे तो मम्मी पापा जो कपड़े पहना थे पहनते, आप कोई प्रॉब्लम थी नहीं, अब आप मार्केट में चले गए, अब आप शर्ट खरीद के लाते हो, आप बहुत परेशान होकर आते हो, क्यों कि आपके पास डिजायर है। 50 शर्ट पसंद आई, 50 में 5 पैसे लग रही, कैसे छोड़ूंगा, लेकिन पॉकेट अलाउ नहीं कर रहा, नहीं तो ले ही लेता मैं। फिर एक बात सोचते, चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम ये लूंगा मैं। लेकिन आपने देखा आपकी डिजायर कभी पूरी नहीं, समझ गए मैं। इधर आ जाओ, बैठने में दिक्कत आ रही, नींद आ रही, अच्छा इधर आ जाओ, पास में आओगे मजा आएगा। थोड़ी मेरी आवाज कम पड़ रही होगी, बच्चों की इसमें बैठ जाओ। थोड़ा बहुत सक जाए, नहीं टूट जाएगा, बस ठीक है, नहीं समझ में आया तो हाथ खड़ा कर, एक्टिवेट होते मजा। चलो तो अपन वही बात चलते, समझ गया मैं। अपने दिल है आपके बचपन में, आप देखे ना बहुत, आप मुझे नहीं मानो आपका बैकग्राउंड क्या है, आप गांव में जन्मे हो, कीचड़ में खेले हो, खूब मजा। अब दुनिया में आप अमेरिका चले जाओ, लेकिन जब घर की याद आई ना, क्या गांव था, क्या लकड़ी, क्या गिल्ली डंडा था, क्या पेड़ों पर चढ़ना कूदना था, क्या तितली पकड़ते थे, गांव में क्या तालाब था, अरे भैया वो तो बात ही अलग, मैंने खुद लागे। अब कहीं चले जाते पहले वो, मैंने जहाँ विदाउट डिजायर हमने जब जन्म लिया ना, वो गाँव में बहुत प्यारा लगता है, ये कहना है। अब आप छांट रहे हो ना, तब परेशान हो रहे हो, यार ये कॉलोनी का है तो बढ़िया फ्लैट, लेकिन वो ज्यादा अच्छा है। देख लेना, आप में से कोई भी किसी फ्लैट में संतुष्ट नहीं हो सकते, हर बार आपको लगे वो ज्यादा अच्छा, वो अच्छा है, जिसको हम कहते हैं दूर के ढोल। आपने देखा आपको जो नौकरी मिली उसमें आपको पसंद नहीं आ रही हो, वो नौकरी कुछ और लग रही हो, वो कुछ समझ गए, दो तीन एग्जाम्पल देंगे, जहाँ डिजायर है वहां मजा नहीं है। लेकिन जो विदाउट डिजायर मम्मी मिली है, विदाउट डिजायर हमें बॉडी मिली है, विदाउट डिजायर, विदाउट डिजायर हमें बहुत सारी चीजें मिली, वो हमें हमेशा मजा देती है। ये बात मैंने किस की पुष्टि में कही है, रोके न चाह, इसका मतलब हमें चाह रोकना, यदि हम कमर कस लें चाह रोकनी होगा। मैं तो आपको बहुत प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देता हूँ, यदि आपकी पत्नी आपको मांगने पर कुछ खाने को देती है तो आज से प्रतिज्ञा कर लो मांगने में, जल्दी बोल गए। आपको पता है मुहिदानों की एक बेदी है, यदि उनकी अंजलि खाली हो जाए और एक मिनट आधा मिनट तक कोई नहीं दे तो उसी समय अंतराय करके वो बैठ जाते। इसलिए आपने देखा और लोग अलर्ट रहते हैं, उनको कोई भूल ना जाए, चार लोग तैयार रहते हैं देने के लिए बिल्कुल, क्यों, क्योंकि उन्हें मालूम यदि उन्हें नहीं दिया तो फौरन बैठ जाए, समझ लो गणित। यहां से पत्नी से मांगना बंद कर दो, थाली पर बैठो, नहीं आए हाथ धो, दो चार दिन पत्नी डांटेगी, मुंह सीख लिया, मांग नहीं सकते थे पर आए हो, दो चार बार वो नहीं करेंगे, क्योंकि पहला पुराना कर्म के हिसाब है ना वो। लेकिन आप बिल्कुल गुस्सा मत होना, बिल्कुल शांत रहना, बिल्कुल शांत रहना, दो चार बार पत्नी का रिएक्शन शांत हो जाएगा, अगली बार वो बिल्कुल 10 बार देखे, कहीं आप जाओगे भी नहीं तो वहीं से फोन करके दे, देखो वो मांगेंगे नहीं। थोड़ा ध्यान रखना उनको, कर ले प्रैक्टिकल कर लेना, कोई बड़ी मेरा मतलब ये, हम खुद अपना रिस्पॉन्स खो देते हैं, जब मांगने लगते तो मांगने पर ही देगी, मांगते ना इसलिए नहीं मांगो, अपने आप मिलने वाली, एक काय की बात की डिजायर नहीं करोगे तो पूर्ति होने वाली। ये मैंने बहुत बड़ी फिलोसफी पढ़ाई थी आपको, आपने सुना होगा, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख, सुना तो होगा सर, ये बहुत बड़ा कैलकुलेशन है, मांगने पर मोक्ष भी नहीं मिलता, मांगने पर सम्यक दर्शन भी नहीं मिलता, और नहीं मांगने वाले को मोक्ष मिलता है।
प्रैक्टिकल करके देख लो, बिल्कुल प्रैक्टिकल। आपको इतने एग्जाम्पल चाहिए मैं उतने दे सकता हूँ। आपका बच्चा बार बार मांगता है ना, तो आप उसे बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन बच्चा बिल्कुल ना मांगे, कभी कुछ ना मांगे, तो हाँ बोल देते ले खर्च किया कर, घूमा कर, थोड़ा खाया पिया कर, मिठाई नहीं खाता है ना तो उसकी मम्मी जबरदस्ती सब सीख, मीठा भी खाना सीख, डबल पार्टी में वही तो आइटम होता है। माने बच्चे नहीं मांगते तो हम देते, और मांगते हैं तो नहीं। अब फिर से बोलो, डिजायर करना कि नहीं करना? लोग इन्हें चाह कर, आज हम सैद्धांत ही बता रहे हैं, तो तीन सिद्धांत और बता रहे हैं आपको। इच्छा करने पर तीन रिएक्शन आते हैं, करना नहीं पढ़ा रहा हूं आपको, आपको लगता है कठिन पढ़ा रहा हूं, मैं बहुत सरल पढ़ा रहा हूं। इच्छा करने पर तीन रिएक्शन होते हैं कर्मों में। पहले के लिए सब चीज वही है, बस केवल स्टाइल की तरीके की जरूरत होती है। जैन धर्म में कहता है, मैंने पहले शुरू में कह दी बात, ये दुनिया में किसी धर्म में नहीं मिलेगी जो चर्चा की पढ़ाई में। जैन धर्म कहता है कभी भी दुखी मत हो, फियर मत करो, कभी मत करो। जैसे अनजाने में आपने बहुत बड़े बड़े पाप कर लिए, बेहिसाब पाप, तो फिर डर लगे, गिल्टी कॉन्शियस में चले जाएंगे। तो जैन शासन कहता है गिल्टी कॉन्शियस मत कर। क्यों नहीं कर? गिल्टी कॉन्शियस करने से वो मल्टीपल होती जाती है। आपके हाथों में दो चीज है, डिक्रीज और इंक्रीज, डिक्रीज और इंक्रीज, जिसको हिंदी में कहते हैं उत्कर्षण और अपकर्षण। मैंने आप अपने पापों को इंक्रीज भी कर सकते हो और डिक्रीज भी कर सकते हो। जैसे बहुत सिंपल सा गाड़ी, आप साइकिल चला रहे थे और एक पुलिस वाला खड़ा हुआ था और आपने फुल ताकत से ब्रेक लगाई, लेकिन फिर भी उससे थोड़ा टच हो गया। अब पुलिस वाले से टच हुए हैं, आप समझ गए पुलिस वाला गुस्से से देखेगा, अंधा है क्या, चार बातें करेगा। अब इस केस को घटना तो घटी चुकी है, अब आप चाहे इंक्रीज कर सकते हो या डिक्रीज कर सकते हो। पहले इंक्रीज बताऊं कि डिक्रीज बताऊं? डिक्रीज से सरल आप जानते हो, सॉरी। डिक्रीज करने का तरीका सॉरी, बहुत बड़े उम्र के तो पैर छू लोगे, सॉरी मैंने पूरी कोशिश की, ऐसे ऐसा सर्कमस्टेंसेस से इसलिए ऐसा हुआ, तो वो भी कह रहे कोई बात नहीं, लेट गो। ये डिक्रीज करने का तरीका। इंक्रीज करने का तरीका है, उसने कहा अंधे हो क्या, ए देख ले आंख है, अंधा कैसे कह रहे हो मेरे को। अब फिर उसने, अब तो पड़ेगी बात, इंक्रीज हो जाएगी, तो उसने और दो बात बताऊं तेरे को, तो हाथ पड़ेंगे तभी। अच्छा यश कैसे मारोगे, भगवान ने मुझे भी हाथ दी, अब केस वाली इंक्रीज हो गया। अब जैसे वो आगे बढ़ा, एक थप्पड़ मार दिया, केस और आगे बढ़ गया। अब तो वो पकड़ के पक्के थाने तक ले जाएगा। थाने में उसने क्या भाई क्या हुआ सर, देखिए मेरी कोई गलती नहीं, मैं इनोसेंट हूँ बिल्कुल, ऐसी ऐसी घटना घटी जी, जबरदस्ती मेरे से उलझ रही। अच्छा उलझ रही है, बड़े लोग उलझते हैं, ये थाने वाला क्या हुआ बोलो, तो उसने भी ये खेल दी। समझ गए, छोटी घटना को इंक्रीज करने का तरीका है ऐसा। आप चाहे तो कोर्ट में भी चली जाएगी बात, कोर्ट में भी सीखेंगे तो और आगे चली जाएगी। बात छोटी थी, ध्यान रखना बात छोटी, ध्यान रखना तीसरी बार करो, बात हमेशा छोटी ही होती है, इंक्रीज हम करते हैं गलतियों से। यदि ये सिद्धांत आप सीख जाओगे ना, तो कभी भी आपकी केस बिगड़ेगा नहीं। इसके लिए हम लौकिक भाषा में, लौकिक भाषा का एग्जाम्पल देता हूँ, नाम मैं कहावत से सुनाता हूँ, तिल का ताड़ बन गया, राय का पहाड़ बन गया, बात का सॉरी। कितनी सुंदर चीज थी जैन धर्म की सॉरी, उत्तम क्षमा, सॉरी कौन सा कहिए, उत्तम क्षमा कहिए। अभी नहीं कहा है, मेरी पेरेंटिंग की प्रोविजन सुनना, आप लोगों को बहुत काम आएगी। पेरेंटिंग में बात बहुत ली, पति पत्नी दोनों 44,000 वोल्टेज पे हैं, तो फॉल्ट बहुत जबरदस्त होने वाला है। अब थोड़ी देर के लिए पत्नी यदि हाई फाई हो रही हो, मतलब हाई वोल्टेज पे, ओके थोड़ी देर शांति हो जाएगी। अब दो ही बजाय तो कर, आपने देखा हो घर में झगड़े कर, जो जो चिल्ला चिल्ला के अपने क्लियर, वो क्या क्लियरेंस देना चाह रही है कॉल,
स्पष्टीकरण दे रही है। तुम भी चिल्ले चिल्ला के मेरे को यहाँ से बेवकूफ नहीं, तुमने मुझे क्या समझ रखा है, वो तुम ही अपने मुंह से बोल रहे, मैंने तो कुछ नहीं कहा। अभ्यास एंड कितना खराब है। सुना, सॉरी सबसे सरल चीज है, हो सकता है आप सही हो, मैं बाद में विचार करके आपको बताऊंगा। मुझे इस मामले में हर एक से कहता हूँ बात, हर एक से, कि पूरा देश पापियों से चल रहा है। पूरी रेलवे टाइम पे चल रही है, हवाई जहाज चल रहे हैं, बैंकिंग चल रही है, पोस्ट ऑफिस चल रहे हैं, इसमें कंपनियां चल रही हैं, विदेशी कंपनियां चल रही हैं, देश विदेश में सब कुछ चल रहा है। एक छोटी सी चीज है, जब भी कोई कर्मचारी गलती करता है उसे कोई कुछ नहीं कहता, एक 100 कोई नोटिस दे देते हैं, एक्सप्लेनेशन कॉल किया जाता है, एक्सप्लेनेशन कॉल किया जाता है, विद इन 3 डेज बताइए क्यों ना आपके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन दिया जाए, विद इन 7 डेज। हमें देखना होगा चुनाव आयोग इतने बजे तक आप अपना जवाब दाखिल करो, हमें तत्काल सब देख रहे हैं, उसमें वीडियो में सब देख रहे हैं, नहीं हम डिसीजन नहीं देंगे, कोर्ट तत्काल डिसीजन नहीं दे देती, ठीक है, 1 महीने 7 दिन बाद इसका सजा बाद में सुनाई जाएगी, रिजल्ट तो आज बता दिया कि दोषी पाया गया, लेकिन सजा का डिक्लेयर हम बाद में करेंगे। राम मंदिर के मामले में निर्णय तो हो चुका है, लेकिन बाद में सुनाई, तब तक पूरी व्यवस्था कर देते हैं। बस यदि हम अपने परिवार में पेरेंटिंग में ये बहुत बड़ा गुण है कि यदि हम अपने बच्चों के सामने तत्काल डिसीजन न दें न लें, बोलो ठीक है, कंसीडर विचार करें, देखेंगे। न्यूज पेपर में आपने पढ़ा होगा, जब भी कोई ऐसा खतरनाक विचार लिखता है कोई एडिटोरियल में, तो नीचे एक लाइन लिख देते हैं, संपादक की सहमति आवश्यक नहीं, ये लेखक के अपने स्वतंत्र विचार है। ऐसे अपन करो ना, ये तुम्हारी पत्नी का स्वतंत्र विचार, जैसे बेटा पूछे पापा आपका मत है, मम्मी का ऐसा कौन सही है, बेटा ये मम्मी का स्वतंत्र मत है। अच्छी भाषाएं बोल दो, तेरी मम्मी है ही बेवकूफ, कुछ समझती तो है, बेअकल कहीं की, उसी पे तू चला गया ढोर पर। और ये डायलॉग वाली आपको भी कहा, बच्चा मम्मी के पक्ष में चला जाएगा, बिल्कुल मत बोलिए, कभी मत बोलिए, स्वतंत्र विचार, ठीक है बेटे बात करेंगे, यदि हम सही होंगे तो मम्मी मानेगी, आई बिलीव। इतना अच्छी भाषा में बोल सकते हैं, कई बार बच्चा बेचारा थर्ड में क्या बना, थर्ड एम्पायर बन के रह जाता है, वो थर्ड एम्पायर बन गया, कोई सुनते नहीं। हमने देखा होगा आपके बचपन बीता होगा, आपको लगता होगा यदि मम्मी पापा मेरा सजेशन माने तो घर स्वर्ग हो जाए, आपको कोई सुनता ही नहीं, नहीं होगा कि अपन बिजनेस सलाह देना चाह रहे होंगे, घर के मेंटेनेंस में सलाह देना चाह रहे, कोई नहीं सुना, लेकिन मैं चाहता हूँ बहुत हरा भरा घर हो, अच्छा हो, सबको कहने का प्लेटफॉर्म होना चाहिए, और कभी नाराजी नहीं, 3 दिन का नोटिस दो, बेकार विद्यालय में नहीं, बात बहुत सिखाई अपने विद्यालय में, 12th तक चलता हमारे विद्यालय, तो हर बार हमारे पास आते हैं, टीचर मानते नहीं, कर्मचारी काम से हो रहे हैं, चपरासी ऐसा कर रहे, मैंने कहा भैया तुम मुंह से बोलोगे तो ऐसा ही होड मिस्ट्रेस हो तो इसका मतलब ये नहीं सब तुम्हारी सुन लेंगे, आप हेड मास्टर हो तो इसका मतलब नहीं सब सुनेंगे। सबसे अच्छा तरीका एक ऑर्डर रजिस्टर, एक ऑर्डर बुक होती है, ऑर्डर बुक को लिखो उसका साइन कर, सो कोई नोटिस दे दो, लिखो इसी में हाथ से लगा उसकी फाइल बना, शिफ्ट हो गई, अब अपने आप काम करेगा, और बेकार आदमी हो रहा है, अब वो नहीं गए क्या कर लो, अरे लिख के दो ना, आपको मैं ऐसा करते हुए देखा है, एक्सप्लेन दीजिए, एक्सप्लेन करिए 3 दिन में 2 दिन में, अब आप सोचिएगा सर 3 दिन 2 दिन में आया सवाल कदम, कुछ समझ गया इंक्रीज करना और डिक्रीज करना, ठीक। अब वापस आ जाते हैं, एक फियर खत्म हो गया, कौन सा, हमने कितना भी अनवांटेड कर लिया हो, अनएक्सपेक्टेड कर लिया हो, नेवर गिल्टी कॉन्शियस, फियर मत करिए, दुखी मत होइए, डरिए मत, क्यों कि आत्मा के विचारों में इतनी शक्ति है, हमारे निर्णय में डिसीजन मेकिंग में इतनी शक्ति है कि हम उसको डिक्रीज कर सकते हैं, हाँ इंक्रीज भी कर सकते हैं, इंक्रीज का बताइए, डिक्रीज करने के लिए सबसे सरल तरीका है 3 दिन पैसे सर दिए,
सॉरी बोल दीजिए, विचार करेंगे, बोल दीजिए विचार करेंगे, उसको क्या दिक्कत, बस धीरे धीरे अपने आप लेट भी हो जाएगा। इंक्रीज और डिक्रीज हो जाने का एक चीज है कन्वर्शन। कन्वर्शन का मतलब है समय, भूलेंगे तो नहीं। एक उदीर्णा बताई थी आपको, फिर उत्कर्षण अपकर्षण, इंक्रीज और डिक्रीज बताई थी, प्री मैच्योरिटी, इंक्रीज डिक्रीज, अब कन्वर्शन, इसको कहते हैं संक्रमण। ये बड़ा खतरनाक है, अच्छा भी है, आप चाहे तो अच्छा भी कर सकते हैं। मैंने आपने पाप बांधा हो और आपके थॉट में इतनी शक्ति होती है, डिसीजन मेकिंग में इतनी शक्ति होती है कि हम पाप को पुण्य में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो पुण्य को भी पाप में कन्वर्ट कर सकते हैं। पढ़ा क्या रहा हूं, रोके ना चाहे, हमें ये सीखना है कि हम चाहे को रोक सकते हैं। बस अगर हमें पता होना चाहिए चाहे रोकने का फायदा क्या है। ध्यान रखना, फुल स्टॉप अभी नहीं होगा, फुल स्टॉप सातवें गुणस्थान के बाद होगा, अभी नहीं होगा फुल स्टॉप। लेकिन हाँ, अनवांटेड थॉट्स रुकेंगे, इंटेंशन ऑफ डिजायर रुकेगा, क्लियर होगा, वो बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा काम। जैसे दृष्टांत देता हूं, खराब दृष्टांत है लेकिन जल्दी समझोगे इसलिए दे रहा हूं। जब तक सराय शादी नहीं होती तब तक जाने हर एक पैसे लगता है, इससे हो जाए अच्छा, इससे हो जाए अच्छा, इससे हो जाए अच्छा, इससे हो जाए अच्छा, किसी से तो हो जाए, मैंने 50 दिन देखा। लेकिन जैसे सराय शादी हो जाती है इसके बाद भी विचार तो आते हैं, लड़की अच्छी है लेकिन करना नहीं, क्योंकि शादी हो चुकी है। अब जिस डिसीजन मेकिंग में फायदा है कि अभी भी अच्छे लग रहे हैं सब, लेकिन हम अब समझ गए कि हमें नहीं करना। तो ये अनवांटेड होने पर भी उसका इंटेंशन और डिजायर बदल गया, ये बहुत बड़ा काम हो गया, बहुत ही बड़ा काम हो गया, बहुत बड़ा काम हो गया। कन्वर्सन, पुण्य को पाप में बदल सकते हो और पाप को पुण्य में बदल सकते हो। डिजायर रोकने की बात तरीका बता रहा हूँ, रोके चाहे कैसे रोके, जब इतने रिजल्ट आपको मालूम तो पक्के में रोकेंगे आपके भाव। आइए, जैसे आपने 1 करोड़ रुपये दान दिया, 1 करोड़, और उसी समय आपको ईगो आ गया, ईगो, तो यूं समझ लीजिए कि आपने पूरे ये क्या कहलाता है, ये पूरा इतनी बड़ी तुम्हारी नाम है, कौन सी गोर सिटी, गोर सिटी है ना पूरा, इतने सारे वो हैं, कितने इसके साथ जितने भी लोग, उन सब के लिए आपने कल खीर बनवाई, मंदिर बनवाने के उपलक्ष्य में खीर बनवाई, लेकिन जल्दी जल्दी में गलती से आपने पोटेशियम साइनाइड डाल दिया, ज्यादा नहीं डाला ज्यादा नहीं डाला, दो बूंद भी बहुत है, 1 सुई का पॉइंट सुई का पॉइंट बना हुआ, इतना ज्यादा नहीं डाला, इतना मिलकर खा ही सकते हैं सर, उसमें क्या समझ गया। उन्होंने इतनी स्वादिष्ट खीर, इतनी कीमत, इतनी मेहनत, इतने चावल, दूध, शक्कर, इलायची, किशमिश, बादाम जो डाला आपने, केसर डाली, गलती से 1 पॉइंट बराबर, सुई की नोक बराबर इतना डाल के गलती से गया, क्या हुआ, कन्वर्टेड इनटू पॉइजन। इस एग्जांपल मैं बहुत सरल एग्जांपल देता हूँ, ऐसे हम लोग व्रत उपवास करते हैं लेकिन कन्वर्टेड इनटू सिन नहीं करते हैं। नहीं, हम मंदिर जाते हैं लेकिन लापरवाही से, हम पूजा करते हैं लेकिन कोई मतलब नहीं, हो सकता है उस समय भी हमारी डिजायर हो, हे भगवान यदि आपको छत्र की इच्छा हो तो मैं लगवा सकता हूँ, बस अगर मेरा काम कर दो यदि मेरी बेटी की शादी हो जाती है तो मैं आपके लिए पक्के में एक विधान कराऊंगा, यदि भगवान भूखे बैठे हो कितना गलत तरीका है। लोग में आपको डॉक्टर का भरोसा है, पहले फीस जमा कराते हो फिर ऑपरेशन कराते हो, स्कूल में फीस पहले चुका देते हो फिर काम करते हो, वकील को पहले फीस देते हो फिर अपना काम कराते हो, और भगवान के पास आकर पूरा इंडिया एडवांस कोई नहीं देता सब बोलते हैं कि हम यदि ऐसा हो गया तो करेंगे इसके बाद में मेरे काम हो भी गया ना, भगवान आपको तो जरूरत नहीं, आप तो आप तो बीतरा गई हो, लेकिन मैं करूंगा पक्का, आप ध्यान रखना, करूंगा पार्टली कर दूंगा,
और फिर थोड़ा 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 समय चाहिए मेरे को, करा दूंगा आप ध्यान रखना, मैं बेईमान नहीं हूँ क्या कर जा रहा है। और जैसे करा भी दे तो फिर उसका भी इतना इतना विज्ञापन, कभी किसी से नहीं कहेगा कि मैंने इसलिए कराया, मैंने कराया मैं, ये है पॉइजन पोटेशियम साइनाइड। हम धार्मिक कृत्य करते हैं लेकिन पोटेशियम साइनाइड डाल करके पुण्य को पाप में कन्वर्ट करते हैं। बहुत सरल एग्जाम्पल है, इतनी विशाल प्रतिमा उस जमाने में 1000 वर्ष से भी ज्यादा हो गए बाहुबल, लेकिन अभिषेक नहीं कर पाया। बनवाने वाला जिसने 100% पेमेंट चुकाया है, 100% पेमेंट, उस व्यक्ति ने उस प्रतिमा का अभिषेक नहीं कर पाया। और ऐसा एक केस नहीं है, सब ग्रंथों में बहुत केस है, मैंने ईगो होने के बाद मैंने ये देखा है, पंच कल्याण कराने वाले व्यक्ति को ईगो हो जाए तो वो नष्ट हो जाता। हमारे खनिया थाना में 1932 में पंच कल्याण कराया था किसी ने, वो परिवार आज हैंड टू माउथ, बहुत बुरी हालत है। मैंने ईगो बर्दाश्त नहीं प्रकृति को, और आप भी करके देखिए ना, आप मेरे को भोजन करने बुलाओ और 10,000 रुपए खर्च कर दो, बढ़िया हो, बढ़िया से बढ़िया, बढ़िया से बढ़िया भोजन, और बाद में बोले क्या खाया है ऐसा कभी सदा याद रखोगे इतना अच्छा किसी ने खिलाया होगा, बोले कैसे लगेगा, बोला ईगो है ना, ये खराब चीज है। अब देखो आपको ये पता लगे ना तो आप करेंगे पूजा पाठ प्रक्षा जो भी करेंगे, लेकिन बड़े अच्छे तरीके से करेंगे, क्योंकि अपने को मालूम पड़ गया ना अपने हाथ चलने वाले, ये सिंचाई करने से क्या फायदा जिसमें हमें लॉस होने वाला है। सरल एग्जाम्पल देखो, आपने किसी रिश्तेदार की मदद की लेकिन आपने ईगो कर दिया थोड़ा सा, सबके सामने बता दिया, बोला दिए कि नहीं तुम पैसे, और कभी जरूरत पड़े तो ले लेना उसे, आपने ऐसे बोला उसे लग गई। अच्छा ऐसी बात है, ठीक है अब नहीं चुका रहे, बने से करो, अकड़ गए, बेबिजनेस भी हो गए, मैंने पुण्य पाप में बदल गया। इधर से चलो पंडित जी, एक विश्वास नहीं हो रहा, यदि हमने बहुत पाप किया वो पुण्य में बदल सकता है, ये तो संभव नहीं है। और यहां का मजा तो मजे आ जाए, हम खूब पाप करेंगे और ऐसा भी होता है, लेकिन पाप इनोसेंट कंडीशन का होना चाहिए, जब आप अज्ञानी थे इंटेंशनली नहीं, ये पहली शर्त है उसकी। अन्य चोर जो फेमस है, अन्य चोर से सप्तवेशन की बहुत पाप की, बहुत पाप की, लेकिन जब मुनिराज का दर्शन हुआ तो आंखों से अश्रुपात करके और अंतर की सारी पीड़ा कह करके और फिर दीक्षा लेकर उसी वक्त से मोक्ष लगा। शेर अज्ञान दशा में वो हिरण का मांस खा रहा है, मुनिराज का दर्शन करने का अश्रुपात, जिसको हम कहते हैं अपना सरेंडर स्टेप समझ लीजिए, या एक और बहुत अच्छा कोई शब्द है बढ़िया इंग्लिश हिंदी में तो है, मैंने पश्चाताप कह लीजिए उसको, वो कर दिया उसने, उसको सचमुच को लग रहा है कि मैं गलत था। हाँ सेल्फ रियलाइजेशन कह लीजिए, सेल्फ असेसमेंट कह लीजिए, मैंने कर लिया उसने, अब पूरा आप पूरा पाप पुण्य हो गया। आज अच्छे अच्छे तपस्वियों के नाम नहीं आते लेकिन अन्य चीजों का नाम आता है, आप पढ़िए आलोचना पाठ इसमें उसमें विनय पाठ, अंजन से किए अगामी दुख मेटहु अंतर ज्ञानी, बिना पाठ में क्या है, अंजन से तारे खुदी, अंजन से तारे खुदी, जय 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 जिन दी। मैंने आपको मैंने क्या कहा था, आपने कितने ही कर्म पाने हो, ये आपके पास रास्ता है, गजब थ्योरी है, गजब थ्योरी चल रहे कि उसमें कितनी पाप हो गए हो, एक रास्ता आपको हमेशा मिलेगा, अवश्य मिलेगा जो आपको बचा के ले जाएगा। अब बोलो इच्छा करने से क्या लाभ, इतने पॉइंट बता दिए और चाहो तो और मिलेंगे पॉइंट, और अब बताओ कि सरल प्रवचन भी है और कठिन भी है, कितना सरल हो, बहुत सरल नहीं, कठिन नहीं, यदि आप निर्णय कर लो, जैसे मैं आपसे एक बात कहूं, रसगुल्ला बहुत टेस्टी है, सब खा के मजे ले रहे हैं, पर आपको डायबिटीज है, तो अब मतलब इच्छा रोकना सरल नहीं, करना कठिन सरल है,
ये जानते हैं ना, ये निर्णय मैं फिर कहता हूँ एक बार अच्छी तरह समझना, जैन धर्म एक्टिविटीज का नाम नहीं है। आप कितना मंदिर बनाते इससे मोक्ष नहीं होता, कितने व्रत उपवास करते इससे मोक्ष नहीं होता, कितने सास पढ़ते इससे मोक्ष मान नहीं होता, लेकिन डिसीजन मेकिंग क्या है आपकी? आप करोड़ों कार खरीद लो लेकिन आपको चलाते समय डिसीजन मेकिंग नहीं है तो एक्सीडेंट होगा। आप ले लीजिए अच्छे से अच्छे मोबाइल ले लीजिए लेकिन डिसीजन मेकिंग नहीं, आपको मालूम नहीं कैसे चलाना है, तो आप करोड़ों का भी ले लेंगे करोड़ों रुपए वाला भी तो भी आप दुखी होंगे। हाँ बिल्कुल सही है, यदि हम यहाँ कह रहे हैं यदि आपको डिसीजन मेकिंग नहीं है, और जैन धर्म ने डिसीजन मेकिंग सिखा दी, लेकिन दुख इस बात का है कि मैक्सिमम लोग केवल ओनली रीड करते हैं, लर्न कर लेते हैं, मेमोरी में फीड कर देते हैं, सुना भी देंगे दूसरे को, लेकिन मेमोरी की डिसीजन मेकिंग नहीं करते। और मेरा हमेशा से ही वजह है कि हम डिसीजन मेकिंग करें, आपको डिजायर नहीं होगी और आप मजे करोगे। और देख अभी आज के बाद चेक करना, जितने लोग दुखी मिलेंगे उनसे पूछना आपको कोई डिजायर है? मैं बाबा ये आप कैसे मालूम? जब भी कोई रोना रोए ना मंदिर में कहीं चौराहे पर कहीं, क्या बताऊं आप डिजायर से परेशान हो, एक्सपेक्टेशन से परेशान हो, नहीं बाकी सब तो ठीक है लेकिन डॉट 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 डिजायर एक्सपेक्टेशन। अब बोलो चाहे, अब चाहे के लिए हजारों सिद्धांत है, मैंने आपको करना नहीं कि तब चीजें पढ़ाई इतनी देर में और इसलिए पढ़ाई कल आप कह रहे थे सरल सा ले लेना, सरल क्या है, यही सरल है। दुनिया में अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करना सबसे सरल है, वैसे बोल रहा हूं कि कठिन क्यों हो सकती है? अब कठिन कैसे हो सकती है पता है, जब इसको संस्कृत में सुनाया जाए, प्राकृत में सुनाया जाए, गाथाएं सुनाई जाए और आपको बताया जाए धवला में लिखा है आचार्य मर के नरक चला जाएगा, एकदम की बात तो सही है, एक बात तो मेरे भी नरक जाना ही है, चलो नरक जाना तो थोड़ा और कर डीजे मेकिंग ऐसी रहती है, क्यों कर भी चुके हैं ना आपने देखा कभी, आपने रात्रि भोजन त्याग का नियम लिया और किसी ने डरा दिया होगा भैया नियम लिया है तो खाना मत करो नहीं नरक चले जाओगे, अब एक दिन गलती से खा लिया फिर याद आई नरक चली जाएंगे, अरे यार जाएगा तो खा भी लोगे इसलिए मैं फियर नहीं करना चाह रहा, मैं कह रहा हूँ नहीं गिल्टी कौन से नहीं करो, अभी भी रास्ता है, यदि गलती से खा भी लिया है उसकी दीदी, लेकिन दूसरा वो देखकर डिजायर नहीं हुआ। कल तीन बातें बताई थी, तुलना नहीं करी किसी से, दिखावा मत करिए, एक्सपेक्टेशन मत करिए, तीन बातें कल चली आज को अप्लाई की खत्म। मैं सुखी होने के इतना शॉर्टकट है रास्ते, बहुत सिद्धांत बहुत है, जबरदस्त सिद्धांत है, आप जितने सिद्धांत हो उतने बताऊंगा मैं इसमें, बस पहले नंबर ये समझो कि फिर बोलता हूँ अब घर में आप फैमिली के साथ बैठिए विचार कर, क्या सही में इस चर्चा सही है, क्या हम डिजायर से परेशान है, क्या हम डिजायर कंट्रोल कर सकते हैं? तो मैं खुद ही बता देता हूँ आप 100% डिजायर के चक्कर मत पड़िए, जिस भूमिका में आप खड़े हो वह डिजायर है, लेकिन एक चीज पर आप सहमत हो सकते हैं इलीगल डिजायर नहीं होने से बहुत बड़ा सुख मिल जाएगा आपको, पति पत्नी में भी इतना विश्वास हो जाए ना कि मेरे सिवा तुम किसी को नहीं देखते, नहीं चाहते, कभी गलत रास्ते नहीं जाओगे, बहुत बड़ा सुख हो जाएगा। किसी को गिफ्ट नहीं दोगे, किसी से बात नहीं करोगे, किसी से चैटिंग नहीं करोगे, किसी के साथ सेल्फी नहीं लोगे, बहुत बड़ा सुख हो जाएगा। इतना ही पहले कदम में बहुत बड़ा सुख हो जाएगा। मैं अच्छी भाषा में बोल दूं इलीगल के मानदंड पर अन्याय अनिति अवक्ष, एक बहुत अच्छा शब्द है अनर्थ दंड, इसमें आएगी चर्चा, अनर्थ दंड चौथी धार में आएगी। अनर्थ दंड का मतलब है बिना प्रयोजन, अनर्थ दंड मतलब बिना उद्देश्य की निरुद्देश्य, मोबाइल का इस्तेमाल बिना प्रयोजन, कोई जरूरत हो यूज करो। आपको पता है घर घर में लड़ाइयां और तलाक केवल अनर्थ दंड से हो रही है, अनर्थ दंड से, अनर्थ और दंड बिना प्रयोजन काम में लेना, कोई लेना ही न देना, जब समझ गए होंगे, बस दो तीन फायदे होंगे आपको, एक तो पैसा बचेगा, समय बचेगा, प्रेम बढ़ेगा, समय बहुत जा रहा है, इतने दर्दनाक पति पत्नी बेचारे
विज्ञान इतना बढ़िया है, पति पत्नी ऐसे बैठे दूरियां दूर करे, कहो दूरियां मिटा दे, ये तो सामने तो मिटाए थे मिटाए दूरी मिटाने की क्या तरीका। एक चुटकुला सुना था मेरे अखबार में पढ़ा, कब तक क्या कहना था, हाँ कब तक फेसबुक पर बातें करोगे, कभी तो फेस टू फेस बात करो। मैंने आज सच बताई, पढ़ लिया आपने महीने पढ़ा, 15-20 दिन ही हुए मुझसे। अमेरिका का रेट आया था 60% लोग अकेलेपन की शिकार, एक साल के अंदर 13% डिप्रेशन बढ़ा है। इसका मतलब मोबाइल डिप्रेशन बढ़ा रहा है, अकेलापन बढ़ा रहा है। पहले हमारे घरों में आप देखो, मुझे नहीं पता आप तो अच्छे लोग होंगे, धर्म में जुड़े इसलिए थोड़े अच्छे होंगे, ज्यादा अच्छे नहीं तो थोड़े तो अच्छे होंगे। मैंने घर में कितना अच्छा माहौल होता था, पापा नाराज होते थे, मम्मी मना के खिलाती थी, और आजकल की पत्नी मैंने इधर की नहीं कहती है, खाना तो खाओ मेरा दिमाग मत खाओ। उसने अपना खाया, जाकर लेट गई छोटी, नौकर से बोल दिया गर्म करके खिला देना साहब को, छोटी मैंने दोनों कमाने जा रहे, दोनों थके हारे थके, दोनों की एक्सपेक्टेशन है कि तुम मुझे सिंपैथी दो, मुझे तो हम दोनों आराम परेशान। बेचारा बच्चा डे केयर में परेशान। अब तीनों अकेले बन के सिखा, जिस समय हमें बहुत प्रेम चाहिए, अपना तो चाहिए, कुछ चाहिए जिस समय, वो खत्म नहीं होती। घरों में जाके देखो, पति नाराज होता तो पत्नी से खुश करने के लिए नाना उपाय करती थी, और रसोई उसके लिए सबसे अच्छा साधन था। कपड़े तरीके से पहना देना, खरीदी करना, तमाम तमाम चीजें हुआ करती थी, आवाज होती थी खत्म, क्योंकि समय नहीं बचा, क्यों बाकी टाइम नीचे खा गया, 8 घंटा सोने के 4 घंटा मोबाइल के, 12 घंटा तो खत्म ही हो गए। अब बची आधी जिंदगी, 60 वर्ष 30 साल, अब 30 साल में से नहाना धोना भी है, बाजार भी है, और भी काम है, बच्चे भी हैं, स्प्रेंड करके भी है, क्या करने बना था, समझ में आओगे। अमेरिका की जिंदगी से बचा, हमारा धन से बचा, मैंने 3-4 चीजें आदि बता दी, अन्याय अनिति अवक्ष 3, चौथी चीज अनंतर, ये 4 चीजें आज की तारीख कंपल्सरी है, इस डिजायर को कंपल्सरी मैंने आपको कंट्रोल जरूर करना चाहिए। मीटिंग करो, लेकिन बात करो क्या क्या करना आप लोगों, और लेकिन एंडलेस लाइफ में तो परेशानी हो जाओगे, करते रहो एंडलेस। आज 1 करोड़ का फ्लैट अच्छा लग रहा है, कल वो भी ठीक लगने लगे, आज 25 लाख की कार अच्छी लग रही, कल 50 लाख की कार अच्छी लगी, एंडलेस। एक बहुत अच्छी लाइन की आगे बात पूरी करता हूँ, टाइम तो पहले से पूरा हो गया, आगे बढ़ गई गाड़ी। आचार्य ने बड़ा दुख व्यक्त किया है, एक लाइन बोल रहा हूँ केवल, आचार्य ने बड़ा दुख व्यक्त किया है, चेतन होकर जड़ के लिए है ना, क्या बोला मैं, चेतन होकर जड़ के लिए है, मुझे क्या मिलेगा आज कौन बन जाए, क्या मिला गायत्री वालों का ही कोई मंत्र है, मंत्र है ना, सूक्ति है, स्लोगन है, बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत ही अच्छा लगा। उसमें लिखा था 84 लाख की योनियों में एक मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जो रोते हुए जन्मता है, हाय हाय करके जीता है, और पश्चाताप करते हुए मरता है। समझ गए मुझे क्या कहा था, आपने नहीं देखा हो गाय के बछड़े को जन्म लेते समय रोता हुआ, कुत्ते के बच्चे को रोता हुआ नहीं, किसी के बच्चे को रोता नहीं देगा, फिर मनुष्य का आदमी बच्चा ऐसा होता है जो रोते हुए जन्मता है, हाय हाय करके जीता है, और पश्चाताप करते हुए मरता है। एक अंतिम बात, एक बात, रिश्ते कितने भी खराब हो, भले सड़े पानी की तरह हो, गंदे पानी की तरह हो, लेकिन उनकी रक्षा करें, प्यास नहीं बुझाएंगे लेकिन आग बुझाने के समय काम आएंगे, जो हमारे नियरेस्ट होते हैं वो कभी ना कभी काम आते हैं, इसलिए नियरेस्ट लोगों से बुरा लेके मत चलो, चाहे ऑफिस हो, क्रेडिटर के लो, पत्नी हो, बच्चे हो, माता पिता हो, भाई बंधु हो, ये संकट में काम आते हैं। जरा आंकड़ो मत कि तुम कुछ नहीं कमाते, मैं कुछ करता हूँ, तुम क्या सोचते हो, मैं तुम्हारी जरूरत नहीं, मुझे कभी मत आना मेरे पास, कभी नहीं। आप चाहे तो इतिहास उठा के देख लीजिए, चाहे पुराण पढ़ लीजिए, चाहे सीरियल ही ऐतिहासिक सीरियल आप देख लीजिए, आप कभी भी ईगो हर्ट होगा आपका,
ये वो मत करें। और